विद्यालय द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क लेकर अभिभावकों के उत्पीड़न के संबंध में महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा जिले विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि कोरोना काल में अभिभावकों की आर्थिक हालत को दृष्टिगत रखते हुए अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अभिभावकों पर फीस जमा करने का कोई भी दबाव स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, किंतु पत्र जारी होने के उपरांत भी पब्लिक एवं निजी स्कूलों के संचालक अपनी हठधर्मिता को दिखाते हुए अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपे गए 9 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान हालत को देखकर प्रत्येक स्कूल के सभी तरह की फीस वृद्धि पर अगले 5 साल तक रोक लगाई जाए। निजी स्कूलों में ट्रांसफर सर्टिफिकेट बाध्यता समाप्त की जाए। विद्यालय द्वारा बोर्ड परीक्षा शुल्क 80 रुपये से 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसको हटाया जाए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो विद्यालय चल रहे हैं उन विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन नियमित किया जाए। जनपद के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों का समय पूर्व की भांति 7 बजे से 12:30 बजे तक का किया जाए, जबकि वर्तमान समय में विद्यालय 8 बजे से 4:30 बजे तक कर दिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। इस प्रकार की कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक को हम ज्ञापन देने आए हैं और ये तमाम हमारी मांगे हैं, हमने इस ज्ञापन के माध्यम से ये दिया है और इसमें हमारी मांगे लिखी हुई हैं। इसमें कोरोना महामारी में निजी स्कूलों में केवल 25% से ट्यूशन फीस निर्धारित की जाए, सभी अतिरिक्त विलम्ब माफ़ करे जाएँ, ये हमारी मांग है मुख्य। और ऑनलाइन क्लास जो चल रही हैं उसमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए फीस जो है कॉलेजों को माफ़ करनी चाहिए और पूरी फीस ले रहे हैं, ये हमारी मुख्य मांग है। और इस समय कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना को देखते हुए तीसरी लहर की इतनी ज़बरदस्त आप देख रहे हैं कि और अमेरिका में और केरल में तमाम केस बढ़ रहे हैं और यूपी सरकार तीसरी लहर को बच्चों के लिए घातक है, उसके बावजूद भी स्कूल खोल दिए, ये हमारी मांग है। ट्रांसपोर्ट और तमाम ये पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है उसकी है, और ये आप देख रहे हैं कि कितने छात्र छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कराया है इन्होंने, उनके मार्कशीट पर वो दर्शा दिया है, अनुपस्थित दर्शा दिया और उनके जीवन से खिलवाड़ करा, उनके अभिभावक छात्र छात्राएं इधर उधर तमाम आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश की सरकार हो या जिला प्रशासन हो उन बच्चों के लिए भविष्य के लिए कोई नहीं सोच रहा है, तो ये बड़ा दुखद विषय है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के हमारे महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज ये हमने ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया है। अगर इस पर हमारी कार्रवाई नहीं होती और हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी शिक्षा विभाग के खिलाफ करेगी।